नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैंटेसी क्रिकेट टीम के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपको एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स का जो बिग बैश लीग में मैच खेला जाने वाला है उसके स्कोर की इन्फॉर्मेशन, पॉसिबल प्लेइंग 11, एक स्मॉल लीग की टीम और एक ग्रैंड लीग की टीम देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्क्वाड देख लेते हैं। तो दोनों ही टीम्स ने अपनी स्क्वाड ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। एडिलेड स्ट्राइकर्स के स्क्वाड में ट्रैविस हेड कैप्टन, एलेक्स कैरी, जोनो डीन, कॉलिन इंग्राम, राशिद खान, बेन लॉनिन, जेक लेमन, माइकल नेसर, लायम ओकॉनर, पीटर सेडल, बिली स्टेनलेक, जेक वेदरेल और जोनाथन वेल्स। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने अपनी सेम स्क्वाड अनाउंस कर दी है दोस्तों, और नंबर टू पोजीशन पे अभी तक पॉइंट्स टेबल में। अभी मेलबर्न स्टार्स की स्क्वाड देख लेते हैं। तो उसमें मेलबर्न स्टार्स के स्क्वाड में एक चेंज है, माइकल बेयर जो उनके बॉलर थे उनको रिप्लेस किया है डैन वॉरन ने। माइकल बेयर को स्क्वाड से बाहर कर दे गए और डैन वॉरन को इन कर ले गए। तो ये एक चेंज किया है मेलबर्न स्टार्स ने, और मेलबर्न स्टार्स लास्ट पोजीशन पे है। अभी 4 मैचेस खेले, उसमें से 0 विन है और 4 लॉसेस है। तो ये वाला मैच उनको जीतना ही पड़ेगा दोस्तों, अगर उनको 5 लॉस नहीं करना है तो। जॉन हेस्टिंग कैप्टन, स्कॉट बोलैंड, जैक्सन कोलमैन, बेन डंग्स, सेब गॉच, पीटर हैंडस्कॉम, जेम्स फॉकनर, ग्लेन मैक्सवेल, केविन पीटरसन, मार्कस स्टॉइनिस, डैनियल वॉरेल, ल्यूक राइट और एडम जंपा, यह है दोस्तों मेलबर्न स्टार्स की स्क्वाड। तो अभी हम प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। एडिलेड स्ट्राइकर्स में तो कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है दोस्तों, क्योंकि लास्ट मैच जीत के आई है और विनिंग कॉम्बिनेशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी चाहिए कि टीम। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11 सेम हो सकती है जो लास्ट मैच में खेले गए थे। अभी मेलबर्न स्टार्स में एक चेंज तो होना गारंटी है दोस्तों, माइकल बेयर जो लास्ट मैच में खेले थे वो तो बाहर हो गए स्क्वाड से, तो उनकी जगह पर डैनियल वॉरेल या तो स्कॉट बोलैंड, ये दोनों में से कोई एक खेलेगा। तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हो ग्रैंड लीग में तो आप बोलैंड या डैनियल वॉरेल पे थोड़ा रिस्क ले सकते हो। तो अभी हम टीम बना लेते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में वुमेन्स बिग बैश लीग की वीडियो अपलोड कर दी, आप नहीं देखे तो आप मेरे वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो, या तो यहाँ पे एक आई बटन ब्लिंक हो रहा होगा आप उससे क्लिक करके भी उस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो अभी हम बिग बैश लीग की बात कर लेते हैं। टीम वन मैंने स्मॉल लीग के लिए बनाया है, टीम टू मैंने ग्रैंड लीग के लिए बनाई है। तो सबसे पहले हम पिच की बात कर ले तो एडिलेड ओवल में मैच खेला जाने वाला है। वुमेन्स बिग बैश लीग जहाँ पे खेला जाने वाला है सुबह, उसके हिसाब से हम अपनी टीम एडिट कर सकते हैं बाद में कि पिच किसको फेवर कर रही है ये देख के। लेकिन एडिलेड ओवल की है तो एक फास्ट बॉलर को थोड़ी सपोर्ट करेगी और एवरेज बैटिंग विकेट भी है दोस्तों ये। तो आप एक बैलेंस टीम बनाइए, आप यहाँ से बेन डंग को रख सकते हो, एलेक्स कैरी को भी रख सकते हो। स्मॉल लीग की टीम है तो मैं एलेक्स कैरी के साथ जाऊँगा, सेब कॉच का चांस कम है खेलने का। फिर बैटिंग सेक्शन से मैंने केविन पीटरसन, कॉलिन इंग्राम, ग्लेन मैक्सवेल को रखा है। आप यहाँ से जेक वेदरेल को रख सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग की टीम है और जेक वेदरेल का फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं उनको पिक नहीं कर रहा हूँ। आप जोनाथन वेल्स को रख सकते हो, ल्यूक राइट को रख सकते हो, पीटर हैंडस्कॉम रख सकते हो, जेक लेमन को रख सकते हो। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने ट्रैविस हेड, मार्कस स्टॉइनिस और माइकल नेसर को रखा है। आप यहाँ से जेम्स फॉकनर को रख सकते हो। फिर बॉलिंग सेक्शन से मैंने राशिद खान, एडम जंपा, जॉन हेस्टिंग और पीटर सेडिल को रखा है। माइकल बेयर को आप प्लीज़ मत लेना दोस्तों, स्क्वाड से बाहर हो गए। बिली स्टेनलेक, बेन लॉनिंग को आप रख सकते हो, हेल्पिनो स्क्वाड में नहीं है। स्कॉट बोलैंड या तो डैनियल वॉरेल, ये दोनों में से कोई एक खेलेगा और रिप्लेस करेगा माइकल बेयर को। तो आप चाहे तो थोड़ी रिस्क लेना चाहते हो तो आप ये दोनों पे से किसी एक पे रिस्क ले सकते हो, और आप जैक्सन कोलमैन को भी अपनी टीम में रख सकते हो। तो नेक्स्ट करते कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो स्मॉल लीग की टीम में कॉलिन इंग्राम एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टनसी के लिए। ट्रैविस हेड को रख सकते हो। ट्रैविस हेड की बात कर लो तो दोस्तों ट्रैविस हेड ओडीआई के स्क्वाड में है, इंग्लैंड के सामने जो मैच खेला जाने वाला है, और ट्रैविस हेड का ये लास्ट मैच होने वाला है जो वो बिग बैश लीग में खेलेंगे। उसके बाद वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए, नेशनल ड्यूटीज़ के लिए जाएंगे, ओडीआई सीरीज़ के बिजी हो जाएंगे। तो आप नेक्स्ट मैच से ट्रैविस हेड को प्लीज़ पिक मत करना। तो कैप्टन मैं कॉलिन इंग्राम को रख रहा हूँ, वाइस कैप्टन केविन पीटरसन को, आप चाहते हैं एलेक्स कैरी पे भी रिस्क ले सकते हो। आपको एक बार टीम का प्रीव्यू दिखा दूँ, अब वीडियो को पॉज करके एक बार टीम का प्रीव्यू चेक कर लेना। टीम टू मैंने ग्रैंड लीग के लिए बनाई, यहाँ से मैंने बेन डंग को प्रेफर किया क्योंकि दोनों का फॉर्म अच्छा चल रहा है, एलेक्स कैरी और बेन डंग का। तो आप किसी एक को रख सकते हो अपनी टीम में, आप चाहते हैं एलेक्स कैरी को भी ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग टीम में। फिर यहाँ से मैंने ग्लेन मैक्सवेल को लिया है, कॉलिन इंग्राम लिया है, केविन पीटरसन लिया और जेक वेदरेल को लिया है। जेक वेदरेल को मैंने कैप्टन रखा है दोस्तों क्योंकि उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन एक अच्छे बैट्समैन है दोस्तों और एबिलिटी है कि कुछ बड़ा कर सकते हैं, प्लस ओपनर आते हैं तो ओपनर के साथ अच्छा मौका होता है कि कुछ बड़ा स्कोर कर सकते हैं। और इनके ज़्यादा नज़र भी नहीं रहेगी किसी की क्योंकि इनका फॉर्म पुअर चल रहा है, तो लाइटली 30% लोगों ने पिक किया है इनको, तो एक अच्छी ऑप्शन बन जाता है दोस्तों कैप्टनसी के लिए। और वाइस कैप्टन में मैक्सवेल को रख रहा हूँ।
क्योंकि नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं और हार्ड हिटर है और अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं। आप चाहे तो केविन पीटरसन को भी रख सकते हो, मार्कस टॉइनिस को रख सकते हो, और एक टीम में आप चाहे तो जेम्स फॉकनर जो एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं कल के लिए, उनको भी आप अपने टीम में रख सकते हो। फिर ऐसे में माइकल नेसर को ले, इस टीम से मैंने ट्रैविस हेड को ड्रॉप किया है दोस्तों। ये बहुत ही रिस्की मूव है ये वाली टीम का, ट्रैविस हेड को ड्रॉप करना। तो आप देख सकते हो मैंने सिर्फ 3 बैट्समैन रखे हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स की, और देखा जाए तो राशिद खान भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं दोस्तों, तो उस हिसाब से 4 बैट्समैन हो जाते हैं हमारे पास और 4 बैट्समैन मेलबर्न स्टार्स की हो जाते हैं। तो ये थोड़ी बैलेंस टीम लग रही है। अगर आप चाहें तो जॉन हेस्टिंग की जगह पर या तो डैनियल वॉरल, दोस्तों डैनियल वॉरल पर मैंने थोड़ा रिस्क लिया है, वो या तो स्कॉट बोलैंड ये दोनों में से कोई एक खेलेगा तो 50-50 चांस है दोस्तों दोनों का। लेकिन अगर टीम नए बॉलर को मौका देना चाहती है तो डैनियल वॉरल को दे सकती है, लेकिन टीम अगर अपने पुराने बॉलर जो स्कॉट बोलैंड ने इस सीज़न में बॉलिंग भी की और स्क्वाड से बहुत दिनों से मौजूद भी थे तो उनको मौका दे सकती है, तो थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है वॉरल पे ऊपर, लेकिन मैं फिर भी वॉरल पे रिस्क ले रहा हूँ। आप चाहे तो स्कॉट बोलैंड को रख सकते हो अपनी टीम में, देखते क्या होता है कल। फिर यहाँ से मैंने बेन लॉनिंग को लिया। बेन लॉनिंग की एक बात बताऊँ दोस्तों आपको, ये मैच एडिलेड ओवल में खेला जाने वाला है, और मैं थोड़े रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो एडिलेड ओवल में जितने भी मैच खेले गए सीजन बिग बैश लीग में, तो उसमें बेन लॉनिन ने 4 और 3 और 2 विकेट्स निकाले, तो इनका रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है दोस्तों, तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। आप एक चाहे तो एक टीम में बेन लॉनिन को कैप्टन ज़रूर रखना, क्योंकि मेलबर्न स्टार्स इतनी अच्छी टीम नहीं है, परफॉर्म कर रही है लेकिन कुछ आउटपुट नहीं निकल पा रहा है उनके फेवर में, तो एक अच्छा मौका है हमारे लिए कल। तो यहाँ से मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ डैनियल वॉरल पे, तो आप चाहे तो सेफ जा सकते हो एडम जंपा के साथ। तो ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का लाइक करना मत भूलिए। ओके गाइज, थैंक यू।